क्या आपको मालूम है एक साध्वी जी ने केवल 8 साल की उम्र में दीक्षा ली, 700 शिष्याओं की गुरुनी बने और वो भी केवल 3 साल में साध्वी जी भगवंतों में श्रेष्ठ माने जाने वाली पदवियां प्रवर्तिनी एवं महत्तरा पद से भी विभूषित हुए। अरे हाँ हाँ, ये सच है और आज भी उनकी गुरु मूर्ति उस इतिहास की साक्षी है। साध्वी जी पद्मा का जन्म धर्म प्रेमी एवं समृद्धि संपन्न परिवार में हुआ था। एक बार गीतांत आचार्य भगवंत ने छोटी सी पद्मा के ललाट को देख, उसके द्वारा होने वाली असाधारण शासन प्रभावना को देख परिवार के सामने दीक्षा की बात रखी और परिवार ने भी खुशी खुशी 8 साल की पद्मा को दीक्षा दी। नन्ही सी पद्मा के मुख पर तेज ही ऐसा था कि उपाश्रय में आने वाली सभी श्राविका बहनें उनकी ओर खींची चली आती और दीक्षा के उपदेश के बिना ही उनकी शिष्या होने के लिए तैयार हो जाती। केवल 3 साल में ही पद्मश्री साध्वी जी 700 से ज्यादा शिष्याओं के गुरु पद पर स्थापित हुए और अद्भुत शासन प्रभावना करते हुए शासन के ये अनमोल रत्न केवल 28 साल की उम्र में सदगति को सीधा गए और उस समय उनकी भक्ति स्वरूप उनकी गुरुमूर्ति की स्थापना की गई जो आज भी गुजरात के मातर नाम के तीर्थ में विद्यमान है। शासन के ऐसे महान प्रभावक श्रमणी भगवंत को शत शत नमन।